Assalamu alaikum, class 5. This is your online video lecture. I am your English teacher. Today is Thursday, 12, 4th February 2021. Uh, my dear little kids, hope you all are fine. And now, students, today we are going to the work page of Broadway Workbook, unit number 1, page number 9, 10, and 11. Open your books, look at page number 9. Your first question is Learn to read. Answer the following questions. Here are some questions. Uh, they are saying, read the following sentences. Find sentences in the passage which have the same meaning. The first one has been done for you. वो कह रहे हैं यहाँ पे कुछ sentences आपको दिए गए हैं. इन sentences से related meaning जो है वो आपने story में भी पढ़ा है. तो इस sentence से related जो meaning आपने story में इससे मिलता हो जलता है बिल्कुल same है वो आपने इसके साथ as it is write करना है. Number one uh, already has been done for you. नसरुद्दीन चेंज इज़ जॉब इन ऑर्डर टू बी हैप्पियर नसरुद्दीन चेंज इज़ प्रोफेशन सीकिंग टू बैटर इज वे ऑफ लाइफ न बी नसरुद्दीन नो लॉन्गर वॉन्टिड टू बी एन आर्किटेक्ट इससे रिलेटेड हमने आपने अपने बुक में पेज नंबर एट के पैराग्राफ नंबर वन में इसका आंसर आपको मिलेगा थर्ड लाइन में नसरोद्दीन डिसाइडिड दैट ही हैड हैड इनफ ऑफ आर्किटेक्चर सी You can spend as much as you wish. And the answer of this question is paragraph number two, second line. Money is absolutely no problem. Turn page number 10. The part he lost interest in his work and became lazy and dishonest. Answer is Nasruddin was fed up with the work and decided to cheat a little. Answer in the page number 8 last paragraph line number third. e few would know few would know that the work was inferior although the palace was substandard no one would recognize this except nasruddin e answer is although a L T H O U G H. Although the palace was substandard, no one would recognize this except Nasruddin. F. Nasruddin was turned. Answer. Last line of the unit page number 9. Nasruddin was left totally speechless. Number 2. What are the things that Nasruddin failed to do while building the palace? Answer Nasruddin failed to use the best materials and cut corners to speed up the work. Nasruddin failed to use the best materials and cut corners to speed up the work. Question number three. वट हैड ही बीन थिंकिंग अबाउट द लास्ट पैलेस ऑल अलोम ही थाट दैट दैलेस वॉज फॉर द सुल्तान ही थाट उसने सोचा कि यह सुल्तान ने अपने लिए बनवाया ही थाट दैट द पैलस वॉज फॉर द सुल्तान नंबर फोर वाइट इज द किंग गिफ्ट द पैलस टू हिम द किंग हैड पेंट प्लीज विद मुला सिंसियर वर्क ओवर द इयर क्यों दिया बनवाया था उसके लिए क्योंकि वो उसके सारा साल जो उसने उसके साथ काम किया था उससे वो बहुत ज़्यादा खुश था कि वो बहुत ज़्यादा मुखलिस इंसान है द किंग हैड बीन प्लीज विद मुलाज सिंसियर वर्क ओवर द ईयर हाउ डू यू थिंक यू फेल वेन दैलेस वॉज ही वॉज क्या था उसको अब ये आंसर आप अपने तरफ से भी राइट कर सकते हैं ही वॉज जब उसको ये पता चला तो वो क्या हुआ ही वॉज Ashamed and disappointed. Your next question is on page number 11. Learn words. Look at these words and their meanings. Here are uh, two words. You have to use these words profession and professional. Profession is a word, is a peer occupation. Uh, इसको मैं आपको ट्रांसलेट करके बता तो प्रोफेशन वो है कि जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए अपने लिए चूज़ करते हैं कि ये मेरा प्रोफेशन है उसके लिए आप स्टडी करते हैं एजुकेशन कंप्लीट करते हैं ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद आप उस प्रोफेशन में आ जाते हैं और जब आप उसको प्रैक्टिकली यूज़ करना शुरू कर देते हैं उससे आपके अंदर स्किल आ जाती है बिलोंगिंग टू अ प्रोफेशन हो जाते हैं शोइंग ग्रेट स्किल उसमें क्वालिटीज शो करवाते हैं जॉब शुरू करते हैं व्हाट आर डू एज अ हॉबी जब आप अपनी जॉब शुरू करते हैं तो फिर आप क्या हो जाते हैं प्रोफेशनल प्रोफेशन पेशा है और जब आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर लेते हैं तो वो आपके लिए प्रोफेशनल हो जाता है योर क्वेश्चन इज़ रीड दिस सेंटेंसेस एंड पुट अ दे आर करेक्ट री राइट देम इफ दे आर इनकरेक्ट वो कह रहे हैं अगर सेंटेंस करेक्ट है उसमें प्रोफेशन profession और प्रोफेशनल का वर्ड आपने यूज़ करना है अगर प्रोफेशनल का वर्ड राइट है तो आपने जस्ट टिक कर देना है उसके नीचे लाइन पर किसी सेंटेंस सही है लेकिन अगर वहां पे प्रोफेशनल की जगह प्रोफेशन यूज हुआ हुआ है रॉन्ग वर्डिंग यूज हुई हुई है तो फिर आपने उसको दोबारा री राइट करना है नंबर वन मैनी ऑफ द एक्टर्स वर ऑफ अ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड अब एक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं प्रोफेशनल्स होते हैं माहिर होते हैं अपने काम में टिक बी मैने इन द मेडिकल प्रोफेशनल है पाकिस्तान अब मेडिकल प्रोफेशनल नहीं होते मेडिकल क्या है मेडिकल एक प्रोफेशन का नाम है तो दिस इज रॉन्ग यू हैव टू राइट दिस अगेन आपने इसको दोबारा रिटाइट करना है मैनी इन द मेडिकल प्रोफेशन हैव लेफ्ट पाकिस्तान दिस नंबर सी दिस बर्गुलर ट्रीम्स टू हैव बीन कैरिड आउट बाई प्रोफेशंस अब बर्गलर जो है वो क्या है प्रोफेशन नहीं है वो प्रोफेशनल है यू हैव टू राइट इट अगेन यू नीड अ प्रोफेशनल टू हेल्प यू सॉर्ट आउट दिस मैटर राइट प्रोफेशनल की आपको एक जरूरत है जो आपके मसले को हल कर सके ई दे प्रेज हिम फॉर इज प्रोफेशनल परफॉर्मेंस राइट परफॉर्मेंस प्रोफेशनल है एफ विल द फुटबॉल स्टार बिकम अ प्रोफेशन फुटबॉल स्टार जो है वो प्रोफेशनली बल्कि है प्रोफेशनल होता है जो वो गेम खेल रहा है यू हैव टू राइट दिस अगेन री राइट नंबर एफ ओके स्टूडेंट्स नाउ आवर लेक्चर इज कम्प्लीटेड अल्लाह हाफिज़